है अंदर। दरवाजा खोलो, खोलो, दरवाजा खोलो। You are under arrest. शुक्रिया, यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिस्टर भुवन रायचूर, ऐसा क्या है जो आप सिर्फ सीबीआई के सामने बोलना चाहते हैं, वो भी सिर्फ राघव के सामने? देखिए, मैं बेकसूर हूँ, मुझे फंसाया गया है। वो तो हर दोषी कहता है। Why should we trust you? You should trust me क्योंकि मैं सच कह रहा हूँ। मैं तो आपको जानता भी नहीं, फिर मेरे लिए स्पेशल रिक्वेस्ट क्यों मिस्टर भुवन रायचूर? क्योंकि सिर्फ तुम लोग मुझे बचा सकते हो। मैं सच कह रहा हूं, ये खून मैंने नहीं किया, मुझे फंसाया गया है। मैंने अपनी भाभी का रेप मर्डर नहीं किया, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। अगर तुम लोग मेरी मदद करोगे तो मैं भी तुम्हारी मदद कर सकता हूं। और वो कैसे? मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है जिसकी सीबीआई को सालों से तलाश है। एजेंट राघव, मैं तुम्हें एक ऐसी चीज बता सकता हूं जिसे सुनने के लिए तुम्हारे कान सालों से तरस रहे हैं। सीबीआई, नील डाउन। ऋषा, नया संभालो। राघव, विदूषक, ये विदूषक है? नहीं, ये काम विदूषक का ही है। ये लाश कम से कम 1-1.5 साल पुरानी। जी कहिए। सीबीआई, चारू रायचूर के मर्डर के सिलसिले में आपसे बात करनी थी। आइए। सीबीआई, प्लीज कम इन। जी, मैं शंकर रायचूर, चारू का हस्बैंड। वैसे आपके घर में और कौन कौन है? जी, मैं भुवन का बड़ा भाई हूँ और ये हमारे पिताजी, जिनकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है और चारू की मौत के बाद इनकी तबीयत और भी बिगड़ गई है। ये मेरे स्वर्गवासी भाई हैं, शंभू रायचूर। 3 साल पहले ही इनकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और जिन्होंने दरवाजा खोला था वो प्रकृति, मेरी भाभी है। उनका एक 16 साल का बेटा है मुन्ना। के अलावा मेरा और चारू का बेटा विवेक, 5 साल का है। एक्सक्यूज मी, आपके यहाँ वॉशरूम कहाँ है? जी, सीधा जाके लेफ्ट। ओके, थैंक यू।
चारू और भुवन का रिश्ता कैसा था? चारू चाची और भुवन चाचा ज्यादा घुलते मिलते नहीं थे। चारू चाची उन्हें इतना पसंद भी नहीं करती थी, लेकिन भुवन चाचा उन्हें अक्सर परेशान किया करते थे। मैंने देखा है खुद। लता जी, हम सीबीआई से हैं, दरवाजा खोलिए। अरे एक्सक्यूज मी मैडम। यस। ये लता जी जो यहाँ रहती है वो कहाँ गई है? वो तो 3 दिन पहले ही यहाँ से शिफ्ट हो गई। विक्रम, मुझे लगता है यहाँ कोई नहीं है। रजवीर। षटभुज कक्ष दूसरा विभाग, ये क्या है? What does this mean? कुछ समझ नहीं आ रहा है। षटभुज कक्ष दूसरा विभाग। राघव, इस मैसेज में लता का एड्रेस ही, ये तो मैं समझ गई हूँ। ऐसा मैसेज कोई क्यों छोड़ेगा? It's almost like वो चाहते थे कि हमें ये मैसेज मिले। Exactly। और इसीलिए इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश मैं भी कर रहा हूँ। सच बोल रहा है, वो विदुषक को जानता है। अरेस्ट हिम। बट रवेश, किस जुर्म में? अपनी पत्नी चारू के कत्ल के जुर्म में। ये वही धुन है ना? मतलब आज फिर वो शैतान आ गया यहाँ। वैसे जिस लड़की ने सुसाइड किया है उस कॉलेज के ट्रस्टी की बेटी। मैनेजिंग ट्रस्टी ने सर को कॉल किया था। अब हम इस कॉलेज के ऑफिशियल एम्प्लॉइज हैं। मैं अंडरकवर मैथ टीचर और तुम अंडरकवर वॉचमैन। ये बांसुरी वाला सिर्फ उसे बुलाता है जिसे प्यार हो जाता है। कहा जाता है कि 20 साल पहले ना यहाँ रईस आदमी की ना कोठी हुआ करती थी। वो सुसाइड के दिन से ही इस धुन का सिलसिला शुरू हुआ। करीबन 6 महीने पहले से ये सिलसिला शुरू हुआ। तारिका की मौत के बाद ही ये धुन सुनाई देने लगी है। हिट एंड रन केस था। और एक एक्सीडेंट और एक सुसाइड, इनमें तभी कनेक्शन हो सकता है जब वो मर्डर। हॉस्टल में स्टूडेंट्स अपनी मर्जी से एंट्री और एग्जिट कर रहे हैं। वो हॉस्टल की लड़की यहाँ पर क्या खरीदने आई? वो हम लोग दवा दारू बनाते हैं ना। दवा या ड्रग्स? दरअसल हमारा एक किलर किसी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट से इन लड़कियों को ब्लैकमेल करता है। इसी तरह उसने इन लड़कियों को टेरिस से बुलाया होगा।